सभी साथियों का एक बार फिर से कमल किशोर एकेडमी में जोरदार स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज 28 सितंबर है और हम सभी चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और देखते हैं आज ही की डेट में विश्व एवं भारत भूमि के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी। प्रथम घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1837 में आज ही की डेट में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का निधन हुआ था। ये शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर के पिता थे। इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा और उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1885 में आज ही की डेट में भारत के महान साहित्यकार, कवि, लेखक, भाषाविद श्री नारायण चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में रत्नदीप और जीवन कण शामिल हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कुशलतापूर्वक किया। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1907 में आज ही की डेट में भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्म बंगा गांव लायलपुर जिला पंजाब में हुआ था। यह स्थान आज पाकिस्तान में स्थित है। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1949 में आज ही की डेट में भारतवर्ष के 41वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा का जन्म जयपुर में हुआ था। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 27 अप्रैल 2014 से 27 सितंबर 2014 तक था। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 2012 में आज ही की डेट में भारतवर्ष के कुशल राजनयिक व राजनीतिज्ञ ब्रजेश मिश्र का निधन बसंत कुंज दिल्ली में हुआ था। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंतर्गत भारतवर्ष के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किए। विश्व की प्रमुख घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। 1895 में आज ही की डेट में फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई पास्टर का निधन हुआ था। इनके द्वारा रेबीज टीका की खोज की गई और इन्हें इनके कार्यों के लिए लेवेनहायक मेडल, कॉपली मेडल और अल्बर्ट मेडल से सम्मानित किया गया था। प्रथम घटना के अंतर्गत 1825 में आज ही की डेट में महान वैज्ञानिक जॉर्ज स्टीवेंसन द्वारा यात्री रेल को खींचने वाले प्रथम इंजन को चलाया गया। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1850 में आज ही की डेट में अमेरिकी नौसेना में कोड़े लगाने की प्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1895 में आज ही की डेट में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर का निधन फ्रांस में हुआ था। इनके द्वारा रेबीज टीके का अनुसंधान किया गया और इनकी खोजों के लिए इन्हें लेवेनहायक मेडल, कॉपली मेडल और अल्बर्ट मेडल से सम्मानित किया गया था। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1923 में आज ही की डेट में इथोपिया नामक राष्ट्र राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया था। अगली घटना पर दृष्टि डालते हैं। 1953 में आज ही की डेट में अमेरिका के महान खगोल शास्त्री एडविन हब्बल का निधन सन मरीनो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इन्होंने बताया था कि हमारा ब्रह्मांड निरंतर बढ़ती हुई गति से फैल रहा है। इसी के साथ घटनाक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।